अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले हफ़्ते मुझे एक ख़ातून की कॉल आई और मुझसे कहने लगी, बेटा मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, लेकिन इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, हद से ज़्यादा मजबूर हूँ। मजबूरी ये कि मेरी एक बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कोरोना की वजह से मैं उसकी 3 सेमेस्टर और हॉस्टल की फ़ीस अदा नहीं कर सकी, जिसकी कुल मालियत 73,000 रुपये है। फीस अदा ना करने की वजह मेरी दूसरी बेटी, जिसको आज से 11 साल कबल तलाक हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल बाद मेरी इस बेटी का रिश्ता आया है और 3 सितंबर 2021 को इसकी शादी होने जा रही है। मेरे पास फ़ीस की रकम मौजूद थी, लेकिन वो मैंने अपनी बेटी की शादी का जो ज़रूरी सामान था उस पर खर्च कर दी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई और मजबूरी की आलम में मैंने आपसे रब्ता किया। बेटा मैं आपको अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ कि मेरी इस बेटी के कैरियर को बचा ले। यूनिवर्सिटी वाले अगर हम फ़ीस अदा नहीं करते तो उसकी डिग्री वगैरह शो नहीं कर रहे, ना वो डिग्री दे रहे हैं, ना मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाने की इजाज़त दे रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से एक दफ़ा फिर भरपूर तआवुन की अपील है। वही उंगली जो मुश्किल वक्त में आपको थाम ले, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पे तालियां बजाए। आप देना शुरू कर दे, आना शुरू हो जाएगा। तो इस यकीन और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।